चार टीचर हैं सर, चार कमरे पढ़ाई हो सकती है सर। आज कितने कमरों पढ़ाई हो रही है सर? इतना सोचने की क्या जरूरत है, कमरे भी हैं टीचर भी हैं तो कमरे में क्यों पढ़ा रहे? चलिए अभी मूव कीजिए एक घंटे के अंदर। और आपको तीन ही कमरे में, जबकि आपको पांच कमरा है, चार टीचर भी है, लापरवाही। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार बिहार की सरकारी स्कूलों का व्यवस्था जो है कैसे सुधरे इस पर कार्य कर रहे हैं, और आज वो भारी बारिश के बीच जो है जमुई के एक स्कूल में पहुंच गए। जब वो निरीक्षण करने पहुंचे तो वो प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ते हुए देखे गए। दरअसल आपको बता दें कि जब वो स्कूल के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो एक साथ जो है कई क्लास के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, और तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए प्रिंसिपल के सामने। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि 10 का मर्डर करवा दीजिएगा। क्या जरा सुनिए कि के पाठक किस तरीके से हाथ जोड़कर प्रिंसिपल से बातें कर रहे हैं। सुनिए, 6, 7, 8 का हमेशा क्लास यहाँ कराइए और 1 से 5 वहाँ कराइए। ऐसे बारिश हो, क्या तूफान है, क्या आर्डर बंद करे? आप हमें घुमाया, वापस ले गए, फिर वापस आए। आपके पास चार टीचर हैं सर, समझ में आ रही, साधारण होगी, चार टीचर हैं सर, चार कमरे पढ़ाई हो सकती है सर। आज कितने कमरों पढ़ाई हो रही है सर? तीन। इतना सोचने की क्या जरूरत है? सॉरी, अब बोले सॉरी मेरे को पकाने के बाद? भैया कमरे भी हैं, टीचर भी हैं, तो कमरे में क्यों पढ़ा रहे? चलिए अभी मूव कीजिए एक घंटे के अंदर। और हेडमास्टर साहब सर, इनका ये स्कूल पहले प्राइमरी उत्क्रमित हुआ, तो उत्क्रमित की बिल्डिंग यहाँ 3 कमरे बनी, आप 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाई, 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाई, इसी के लिए बनी है। और वहाँ सिर्फ प्राइमरी चलेगा, चार टीचर हैं तो चार क्लास, पांच टीचर हैं तो पांच क्लास, ठीक है? सब भीड़ बकरी की तरह नहीं पढ़ाना है बच्चों को, आदेश का पालन, भीड़ बकरी की तरह बैठा दिया है आपने सबको तीन ही कमरे में, जबकि आपको पांच कमरा है और चार टीचर भी है, लापरवाही। घेरा भी है, लाइट नहीं है, वो तो खैर लाइट शायद कल से भी नहीं है, बन है उसमें, हाँ सर लगा है, आज भी आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन जरा भीड़ बकरी की तरह नहीं लगता है। अगली घंटी में यहाँ पढ़ाइए। अच्छा फर्नीचर है उसमें? नहीं, यहाँ जमीन पे काम करा रहे हैं, वहाँ फर्नीचर पे ताला लगाया हुआ है, तो ये लापरवाही है। बारिश का, अब बारिश का फर्नीचर और छत से क्या? अरे महाराज आज बारिश क्या हुई आपको? अगल बगल ही तो है। अरे बारिश का बहाना से क्या क्या करिएगा? 10 मर्डर कर दीजिएगा कि आज बारिश के मर्डर कर दीजिए 10? बहुत कमरा भी है, फर्नीचर भी है, ताला मार के बैठे हुए बच्चे फर्श में हैं, फर्श में बैठे हैं ना बच्चे, बच्चे फर्श में थे कि नहीं? और उधर 2 कमरे में ताला मारा हुआ फर्नीचर के साथ, और डीओ कहाँ है भाई? जितने लोग इंस्पेक्शन में जाते सबकी तनख्वाह काटी। तो देखा आपने के पाठक किस तरीके से हाथ जोड़े हुए हैं प्रिंसिपल के सामने और कह रहे हैं कि 10 का मर्डर करवा दीजिएगा क्या? दरअसल आपको बता दें कि आज जो है बारिश हो रही थी जमुई में, तब वो एक स्कूल में पहुंचे। स्कूल में पहुंचने के बाद जो है के पाठक गर्माते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें के पाठक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरलीगढ़ पहुंचे हुए थे। वहां एक ही कमरे में तीन कक्षाएं चल रही थी। क्लासरूम के अंदर जाते ही वह गुस्सा हो गए। स्कूल में पहले से 3 कक्षाएं थी और बाद में उसे अपग्रेड कर 3 और कक्षाएं बनाई गई हैं। इस कक्षा में जो है 8 तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में। ऐसे में जब वो देखे व्यवस्था को किस तरीके से एक क्लास में 3-3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए हैं और सख्त निर्देश देते हुए आए हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी अलग पढ़ाई कराई जाए, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो है वो अलग कराई जाए। इस दरमियान आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने क्लासरूम में बच्चे को जमीन पर बैठ कर पढ़ते हुए देखा, जबकि इस स्कूल में जो है फर्नीचर भी और फर्नीचर वाले कमरे में ताला लगा हुआ था। प्रिंसिपल से जब इसके कारण पूछा गया तो आज बारिश हो रही है, तो प्रिंसिपल का यही जवाब आया और बच्चे भी कम आए हैं इसीलिए सारे फर्नीचर को दोनों रूम में रख दिया गया है, उसकी मरम्मती भी करानी है। प्रिंसिपल की बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाए आईएसके के पाठक ने कहा कि
बारिश में क्या क्या बहाना कीजिएगा, 10 मर्डर कर दीजिएगा कि बारिश हो रही है तो मर्डर कर दिए आज 10 का। बारिश का छत और फर्नीचर से क्या कनेक्शन है, ऐसे में वो सख्त निर्देश देते आए हैं, काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए हैं। आज बारिश के बीच जो है के पाठक जमुई के उत्कर्मित मध्य विद्यालय मुरलीगढ़ पहुंचे हुए थे और तहां जो है जब बच्चे जमीन पर पढ़ाई कर रहे थे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गए। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।